तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका अपना मैड बॉय शिवालिक हेयर। तो गाइज, पिछले पार्ट में आपने देख ही लिया कि हम संडे राइड के लिए निकले थे, तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, डेट्स वाई मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो हम जा रहे हैं मूर्थल एक संडे राइड के लिए, और ये राइड के साथ साथ एक रिएक्शन वीडियो भी बन गई, और जैसा कि हमने सोचा नहीं था बट ये रिएक्शन वीडियो बन गई। और अब हमने रीफिलिंग करवानी है, तो आगे ही रीफिलिंग है। और आप भी सोच रहे होगे कि भाई मोटो व्लॉग पे आवाज बाद में को दे रहा है, यार वो आपको आगे पता चल जाएगा, तो व्लॉग में आप बने रहे। तो फाइनली जहाँ से हमने रिफिलिंग करवानी थी वहाँ हम पहुँच गए थे, और यहाँ पे हमारा कॉलअप था कि यहाँ पे एक बारी फिर से लाइनअप होंगे। और जैसे ही यहाँ पे हम रिफिलिंग करवाने लगे, और R1 वाले भाई ने जैसे ही रिफिलिंग कर लगाया, और यहाँ पे हमारे साथ हो गया स्कैम। स्कैम क्या हुआ वो आप वीडियो में देखो अब कि स्कैम हुआ क्या, तो मैं आपको बताता भी हूँ स्कैम क्या हुआ। ये देखो, जैसे ये भाई आए ना, तो इन्होंने अपना स्टार्ट किया, तो मशीन क्या हुआ, मशीन ने एक बारी कट ले लिया, स्टॉप हो गई। तो बस भाई वही देख रहे थे, फिर हमने चेक भी किया आगे, वो भाई चेक भी करवाएगा। तो अब पता नहीं स्कैम था या नहीं था, वो नहीं समझ आया हमें, बट चलो कुछ नहीं होता, अगली बार हम पेट्रोल पम्प चेंज ही कर देंगे। चेक किधर कर रहे, ये भी तो कुछ किया ही नहीं है, तेरी मर्जी है, रुक जा रहे हैं ना, आज करवा वीडियो बनाऊंगा, ये लाइन बोल दियो मेरी मर्जी है, चेक करा रहे नहीं, नहीं उसके बाद मैं बहुत रुपया दे दूंगा। फिर मैं यार मीटर तो नहीं रुकना चाहिए ना, एक्टिंग में मैं एक सेकंड रुका यार, एक सेकंड मैं बताऊं तेरे, तो एक्टिंग तेरी दो लीटर करने के बाद वीडियो नहीं बनाओ भाई, एक अब बोल, अब बोलियो दोबारा क्या कह रहा था, दो लीटर करना नहीं, करो करो अरे स्लो नहीं होगा, तीन मीटर रुकना तो नहीं चाहिए यार, बीच में रुक गया ना, लेगा तेल देखना, कितने का डलवाया था भाई, मीटर रुक क्यों रहा है इसका, यही तो बात है, स्लो किया एक बार बोल दिया था भाई पहले, स्लो होना अलग है रुकना अलग है भाई, अरे स्लो होता है रुकता नहीं है, अब जितने का इस बोतल में नहीं रुका, बोतल में लेट हो गया, पोस्ट हो गया था मेरा, फुल करना है, अरे ये तो डलवाना पड़ेगा, दो लीटर तो यार डाल लो, अगर डाल ना कोई दिक्कत नहीं, दो को छः का होगा ना ये, अब ऐसा करना आप 300 और करना, अंदर कर देना यार, अरे भाई बाहर ना गिर, तो ओवर से बाहर भाग जाएगा यार, नहीं अंदर ही जाएगा, अंदर नहीं जाएगा बाहर, तो ये स्कैम था या नहीं था ये आप मेरे को कमेंट करके बताना। तो आप भी सोच रहे होगे हम सिटी के अंदर दोबारा एंटर क्यों कर गए, एंटर करने का रीज़न ये था कि हम दोबारा एक भाई को लेने के लिए चले गए अंदर, और उनके पास जैकेट भी नहीं थी, तो इसलिए वो जैकेट भी उठानी थी, और उनका ना टायर में थोड़ा बबलिंग थी, तो वो भी चेक कराना था, तो बस यही था, इसलिए हम दोबारा एंटर करे थे, और ये सब चीज़ें हमने ओके करवाई, और देन फिर निकल पड़े राइड के लिए। तो फाइनली भाई का थोड़ा टायर का प्रॉब्लम आ रही थी, तो टायर देखते हैं, तो फाइनली यहाँ से हमारी ऑफिशियली राइड स्टार्ट हो गई थी संडे की, और यहाँ पे हम थोड़ी सी तो गड़बड़ कर रहे थे चलाने में,
मैं भी न्यू था, मेरी फर्स्ट राइड थी ये संडे राइड। तो हम थोड़ा सा चले और यहाँ पे हमने करनाल को बाय बाय कर दिया था, बिकॉज करनाल का टोल आ गया था और ये एंड आ गया था करनाल का, मेन सिटी का। और सिटी टोल के बाद मेरे को हमें एक राइडर और ज्वाइन करने वाला था, बट वो थोड़ा सा आगे खड़ा था, हमने पहले ही रोक ली थी बाइक्स। तो हमने थोड़ा सा देख के उनको फ़ोन किया था, बट उन्होंने हमें बोल दिया था कि मैं अगले वाले पुल के क्रॉस करके था। तो फिर हमने पहले यहाँ पे थोड़ा सा सबको सेट किया कि भाई नहीं, ये ऐसे नहीं चलानी। तो बस यही था थोड़ा सा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया था। मैं पीछे रहा सबसे, मैं सबसे पीछे चल रहा हूँ। लीड बताओ ना, लीड करेगा कौन? चलो चलो चलो, लीड कौन करेगा? लीड पे आओ ना फिर। तो भाई इस पुल के आगे खड़े हैं। हाँ जी, टायर से लूप आ रही है ना इसकी बाइक की। हाँ हाँ, कार्बन गया ना इसमें भी, डाल लूप आ जाएगी बाइक की, हालांकि लगेगी अभी थोड़ा एक वो हो जाए ना, रफ हो जाए। अच्छा, आप भी लग रहा है मेरे टायर। तो अब हमने जाना है ये फ्लाईओवर क्रॉस करना है। और टायर की प्रॉपर सेटिंग नहीं करी, करनी तभी अंदर की तरफ। हाँ, वो बाहर निकली है कहीं से, तभी है करवानी पड़ेगी एक बार आपको। फिर मैं निकलवा दूँ, मैं दूसरे डलवा लूँगा। चलो लीड वाला चलो। तो फाइनली भाई एक भाई और मिल गया अपने को। कौन से चला रहे हो? चलो चलो चलो, अब कौन लीड करेगा? भैया करेंगे क्या? तो यहाँ पे मैं दिखा रहा था कि जो मेरे आगे NS वाले भैया चल रहे हैं, इनकी जो जैकेट थी वो इतनी ज़्यादा बबल कर रही थी और इतनी ज़्यादा हिल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वो डांस कर रहे हैं। और बस यही इसी चीज़ का हम मजाक उड़ा रहे थे यहाँ पर कि भैया ऐसा लग रहा है कि डांस कर। हमारे लिए आपसे
तो फाइनली गाइज हम पहुंच गए थे मूर्थल सुखदेव ढाबे पे, और यहाँ पर हमने जाके जो रिएक्शन कवर किए हैं ना भाई, वो हमें पता है क्या मज़ा आया था, और सभी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज़ यार आवाज़ ही एक इतनी ज़्यादा थी, और बस जो मज़ा आ रहा था उस टाइम पे वो मैं बता नहीं सकता। और फिर हमने दो तीन यहाँ पर रील बनाई, और फिर इसके बाद हम निकल गए हवाई अड्डा रेस्टोरेंट के लिए, और देन वहाँ पर जाके जो हमें मज़ा आया ना वो भी मैं दिखाता हूँ आपको, तो वो देखो आप पहले। तो हवाई अड्डा रेस्टोरेंट पे बच्चों ने अपनी बुल के साथ इतनी ज़्यादा फोटोज़ खिंचाई, मैं क्या बताऊँ। तो फाइनली गाइस आप पहुँच गए हैं हवाई अड्डा। पहले हम गए थे सुखदेव पे, हमने मज़ा सा नहीं आया। रिएक्शन वहीं बढ़िया मिले, रिएक्शन तो चलो वहीं मिले हैं, बट और भाई लोग वीडियोस बनाने लगे थे वहाँ पे, और अपनी पूरी गैंग ये रही भाई। हमने जब एकदम से एंट्री मारी ना, बंदे ऐसे हो गए कि प्रॉपर वीडियो बनाने लगे थे। क्या हो गया भाई, मूर्थल गए थे, मूर्थल में काफी क्राउड हो गया था, मूर्थल की वजह से हम लोग यहाँ पे आ गए हवाई अड्डे पे आ गए, और यहाँ पे भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला देखने का। बट ये होता ही है यार, जब ग्रुप पूरा चलता है ना तो एक बार रिस्पॉन्स पूरा अच्छा मिलता है। और अब यहाँ पे अब देखते हैं कुछ खाए पियेंगे यहाँ पे, और फिर बैक टू रोड वन मील ढाबा। और पहले हम गए सुखदेव पे हमने थोड़ा बहुत रिएक्शन नोट किया, देन हम फिर हम गए हवाई अड्डा हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह ही पी, बिकॉज वहाँ पर हर चीज़ इतनी ज़्यादा कॉस्टली थी तो मन ही नहीं करा जाने का, कुछ खाने का मन ही नहीं किया। देन अब हम आए यहाँ पर, यहाँ कुछ खाएंगे थोड़ा बहुत, और देखते हैं अब क्या करेंगे, बिकॉज इस बार सीन क्या हुआ है, इस बार फिर मेरा वही जो हर बारी हो रहा है, वॉइस की क्वालिटी नहीं आ रही मोटो व्लॉग में, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, या तो मेरा अडाप्टर की वजह से वॉइस क्वालिटी नहीं आ रही, या फिर किस वजह से नहीं आ रही। तो अभी तो फ़िलहाल इस बार तो मैं ऐसे ही व्लॉग करके जाना पड़ेगा, जितना जो भी क्लिप आएगी वो मैं सिनेमैटिक में डाल दूंगा, और सब कुछ कर नहीं सकते, वो कोई ऑप्शन ही नहीं है, मेरा बहुत ज़्यादा इस टाइम मूड ऑफ हो चुका है। तो चलो यहाँ पे कुछ खाते हैं, फिर निकलते हैं वापसी बैक टू होम, अब बैक घर ही मिलूँगा, बस हर बारी का वही प्रॉब्लम। और अब तो मैंने हेलमेट भी चेंज कर दिया, अब तो ये भी नहीं है कि भी हेलमेट की वजह से हो रहा होगा, पता नहीं क्या हो रहा है। भाई एक भाई और यहाँ से एक भाई को अलविदा करने लग रहे हैं, और ये दोनों भाई रेस ज्यादा लगाऊ मैं, चल भाई फाइनली गाइस मैं पहुंच गया था घर पे, और ये वीडियो का था लास्ट पार्ट, और इसके बाद तो आगे देखते हैं जो न्यू ब्लॉग आएंगे, और वो भी लाइटिंग रिलेटेड ही होंगे, और बाकी बीच में जो कुछ आता रहेगा। और तो यहीं तक की थी हमारी संडे राइड, मैं होप करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा संडे राइड का, और होप सो भी नेक्स्ट राइड में मेरी वॉइस ठीक रहे। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।